नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, जिसका नाम है न्यूरॉन फिजियोलॉजी एंड मसल्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन फिजियोलॉजी। उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा अपना न्यूरॉन एंग तंत्रिका। तंत्रिका नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखते अपन न्यूरॉन। न्यूरॉन एक विशेष कोशिका होती है जो नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। तो ये न्यूरॉन की संरचना होगी। ये न्यूरॉन विशेष प्रकार की कोशिका होती है। इसकी संरचना भी अन्य कोशिकाओं से भिन्न होगी। तो इसमें बात करते हैं अपन न्यूरॉन में सबसे फर्स्ट जो इसके सेल बॉडी, यानी कि जो पूरा न्यूरॉन होगा वो तीन भागों में बटा हुआ होगा। फर्स्ट सेल बॉडी, फर्स्ट भाग होगा अपना सेल बॉडी। दूसरा जो पार्ट होगा हेक्सोन और डेंड्राइट्स, तीन पार्ट पाए जाते हैं। सेल बॉडी मुख्य भाग होगा और इस सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है एंड केंद्रक। इस केंद्रक का काम होगा कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन्स, यानी कि ये न्यूरॉन के जो पार्ट होगा यानी न्यूरॉन को एक प्रकार से कंट्रोल करेगा, यानी किस प्रकार न्यूरॉन को काम करना है। और इसी कोशिका का है यानी सेल बॉडी के अंदर ही निशल कण पाए जाते हैं। इन निशल्स कण जो होंगे आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस कोशिका काय भाग से ही डेंड्राइट्स निकलते हैं। ये डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे सिग्नल्स को फ्रॉम द अदर सेल, यानी दूसरी सेल से सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे सिग्नल्स को कलेक्ट करेंगे, ये सिग्नल कोशिका काय यानी सेल बॉडी के पास पहुंचते हैं और इस सेल बॉडी से यह सिग्नल्स हेक्सोन वाले पार्ट में ट्रांसफर होंगे और हेक्सोन वाले पार्ट से यह सिग्नल हेक्सोन टर्मिनल पर पहुंचेंगे और हेक्सोन टर्मिनल के पास दूसरा न्यूरॉन्स होगा और दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी के अंदर निशल्स कण पाए जाएंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, गोल्जी काय प्रेजेंट होगा और तारक काय प्रेजेंट होगा। लेकिन इस न्यूरॉन की एक विशेषता होती है कि इसमें तारक काय प्रेजेंट होगा और तारक काय प्रेजेंट होगा लेकिन इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, क्योंकि इस तारक काय में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता। इसके बाद यहाँ से जो पार्ट होगा वो होगा हेक्सोन हिल लॉक, यानी कि कोशिका काय और हेक्सोन को जो कनेक्ट करेगा उसे बोलते हैं अपन हेक्सोन हिल लॉक। यानी जनरेटेड इम्पल्स इन द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स के अंदर जो जनरेट हुई इम्पल्स उसको हेक्सोन के अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी दोनों को कनेक्ट करेगा। और यहाँ से जो इम्पल्स हेक्सोन वाले पार्ट में जाएंगे तो हेक्सोन के बाहर की ओर जो झिल्ली होगी उसे बोलते अपन हेक्सोलेमा, और इस हेक्सोलेमा पर ही पाई जाती है स्वान कोशिकाएं, स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है जो प्रोड्यूस द माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ का क्या करती है प्रोडक्शन करती है कि बनाती है माइलिन शीथ को, यानी कि हेक्सोलेमा के बाहर की होगी बाहर की ओर स्वान कोशिका और स्वान कोशिका के बाहर की ओर माइलिन शीथ पाई जाती है। ये माइलिन शीथ का काम क्या होगा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल, यानी कि ये जो इम्पल्स होगा उस इम्पल्स को यानी जो उद्दीपन होगा उस उद्दीपन की स्पीड को बढ़ा देगी।
यानी कि उससे वो स्पीड अधिक गतिश होगा, जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा। उन इम्पल्स की स्पीड क्या होगी? धीरे होगी। यानी कि इसका काम होगा सिग्नल्स की जो स्पीड होगी, उद्दीपन की जो स्पीड होगी, उनको बढ़ाना, माइलिन शीथ का काम होता है। यानी कि इस माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन को दो भागों में बांटा गया है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल तंत्रिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक तंत्रिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये कोशिकाओं को, कोशिकाएं जो श्वान कोशिका होगी, स्पेशल कोशिका होती है, ठीक है, जो फैटी नेचर का एक प्रोडक्शन करती है, उस फैटी नेचर की वजह से ही माइलिन शीथ बनता है। और इनके बीच बीच, यानी कि श्वान कोशिकाओं के बीच बीच में नोड ऑफ रेनवियर, यानी गर्त पाए जाते हैं, और ये डिफ्यूजन करते हैं आयनों का, यहाँ से आयन बाहर आएंगे और अंदर जाएंगे। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाएगा, यानी कि हेक्सोन के सामान्य कंडीशन में, यानी कि पोलराइज कंडीशन में अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश होगा। यानी कि बाहर की ओर सोडियम आयन और अंदर की ओर क्लोराइड आयन और ऋणात्मक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये बीच बीच में श्वान कोशिकाओं के बीच बीच में जैसे ही कोई इम्पल्स आएगा तो वो हेक्सोन, जैसे ही कोई इम्पल्स आएगा तो कोशिकाएं भाग से, यानी डेंड्राइट्स उसको ग्रहण करेगा, डेंड्राइट से कोशिकाकाय में आएगा और कोशिकाकाय से वह हेक्सोन, यानी कि इस प्रकार, यानी जो माइलिन शीथ पाया जाएगा वो साल्टेटरी कंडक्शन को दर्शाता है। इस प्रकार साल्टेटरी यानी कि पास्ट कंडक्शन को दर्शाएगा, क्योंकि गैप से जब अगर किसी न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ नहीं होगा तो कंडक्शन अंदर से आता है, तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। जिसमें माइलिन शीथ होगा वो उछल उछल कर, कूद कूद कर सिग्नल को आगे भेजेगा, इसलिए पास्ट कंडक्शन होगा। और इसमें सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका काय में बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन होगी उसे बोलेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका में सबसे बाहरी जो परत होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि सेल का बाहरी आवरण, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके जो हेक्सोन होगा उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो हेक्सोन टर्मिनल कहलाएगा, जो क्या करता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है, और इस हेक्सोन टर्मिनल पर सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि सिनेप्टिक वेसिकल्स, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही इन सिग्नल्स को अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा। ये हेक्सोन टर्मिनल यानी कि न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स के द्वारा जुड़े होते हैं, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा तो उनके मध्य जो संबंध होगा वो कहलाएगा सिनेप्स। तो सिनेप्स बनने के लिए हेक्सोन टर्मिनल होगा, तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स हो सकता है, एक न्यूरॉन का हेक्सोन टर्मिनल होगा तो दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी हो सकती है, या दूसरे न्यूरॉन का हेक्सोन हेक्सोन हो सकता है। यानी कि ये दो सिनेप्स, यानी सिनेप्स तीन प्रकार से बनता है, जो बता दिया मैंने आपको, हेक्सोन डेंड्राइट्स, हेक्सोन सेल बॉडी और हेक्सोन हेक्सोन। ध्रुवों के आधार पर या डेंड्राइट्स के आधार पर इनको, न्यूरॉन को तीन प्रकार से बांटा गया है, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। एक ध्रुवीय न्यूरॉन भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन रेटिना में पाया जाता है, और बहुध्रुवीय न्यूरॉन वयस्क में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी किस प्रकार सूचनाओं का
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचरण होगा। तो इसमें क्या होगा, एक न्यूरॉन की सिनेप्टिक वेसिकल होगी, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर सिनेप्टिक आशय पाए जाएंगे और इन आशयों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होगा, न्यूरो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन देखेंगे अपन। इस एक न्यूरॉन का हेक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो संबंध बनेगा इसे बोलते हैं अपन सिनेप्स, सिनेप्स हो गए। तो किस प्रकार सूचना का ट्रांसमिशन होगा, यानी कि एक न्यूरॉन से सूचना दूसरे न्यूरॉन पर पहुंचती है, ये वाला पार्ट कहलाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। और इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल पाई जाती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पर कैसे पास होगा, तो जैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल कोशिका इस कोशिका झिल्ली पर पहुंचेगी तो यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट होंगे और एक कैल्शियम इस सिनेप्टिक वेसिकल पर बंदूक की गोली के समान व्यवहार करेंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल के टच में आते हैं तो यह सिनेप्टिक वेसिकल फट जाएगी और सिनेप्टिक वेसिकल फटने से इनके अंदर जो प्रेजेंट होगा न्यूरोट्रांसमीटर वह अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार दो प्रकार से सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना और इलेक्ट्रिकल यानी जैसे न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन पर प्रवेश करेगा तो उस न्यूरॉन में आयनिक चेंजेज होंगे, यानी कि उस न्यूरॉन के अंदर ऋण आयनों की मात्रा अंदर की ओर ज़्यादा और धन आयन की मात्रा बाहर की ओर ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन डीपोलराइजेशन, यानी कि हेक्सोन के अंदर की ओर ऋणावेश का बढ़ना और बाहर की ओर धनावेश का बढ़ना। ऋणावेश के बढ़ने का कारण क्या हुआ, क्लोराइड आयनों की अधिकता, ऋणात्मक प्रोटीन की अधिकता, इसकी वजह से सेल्स क्या हो जाएगी डीपोलराइज्ड हो जाती हैं। यानी तीन प्रकार से ध्रुण होगा सेल्स का एंड डीपोलराइजेशन होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण तीन प्रकार से देखते हैं अपन। यानी तीन प्रकार से तंत्रिका आवेग का संचरण होगा, जो फर्स्ट होगा यानी पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, दूसरा डीपोलराइजेशन विध्रुवण और तीसरा होगा रीपोलराइजेशन यानी पुनर्ध्रुवण। तो पोलराइजेशन यानी सामान्य कंडीशन के अंदर जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा, अंदर की ओर जो आवेश पाया जाएगा वो नेगेटिव आवेश होगा। यानी जब न्यूरॉन के पास कोई सूचना या कोई सिग्नल्स नहीं पहुंचता है तो उस टाइम पर जो न्यूरॉन की जो हेक्सोन पर जो आवेश होगा वो नेगेटिव होगा और उसका मान -70 mV
यानी कि मिली ओल्ट होता है, और इस कंडीशन को रेस्टिंग फेज कहते हैं, यानी कि विराम कला विभव रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसमें जो अंदर की ओर जो नेगेटिव चार्ज होगा वह क्लोराइड आयन की ऋणात्मक प्रोटीन की वजह से और पोटेशियम आयन की मात्रा क्या होगी, कम होगी इसमें, इसलिए यहाँ अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होगा जबकि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कहेंगे सोडियम आयन की अधिकता होना, और ये सोडियम जब सोडियम आयन की अधिकता होना है तो इसमें अब इसके बाद जैसे कोई सूचना हेक्सोन पर आती है तो डीपोलराइजेशन होगा यानी कि विध्रुवण होगा। विध्रुवण होने की वजह से बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज और अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक तो हुआ पोलराइज्ड, दूसरा होगा डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर धनावेश और बाहर की ओर ऋणावेश। तो बाहर की ओर ऋणावेश यानी कि यहाँ पर एक पंप काम करेगा जिसे बोलेंगे अपन सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से बाहर से 3 सोडियम आयन अंदर की ओर आएंगे और 2 पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि अंदर की ओर धनात्मक आयन की अधिकता हो जाएगी क्योंकि बाहर से आने वाले सोडियम आयन की संख्या ज़्यादा होगी जबकि बाहर जाने वाले पोटेशियम आयन की संख्या कम होगी। इसकी वजह से बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज और अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो पंप काम करेगा उसमें ATP खर्च होती है यानी सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद 3 कंडीशन देखने को मिलेगी अपन को, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड व रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज में जब कोई सिग्नल्स हेक्सोन के पास नहीं पहुँचेगा तो अंदर की ओर ऋणावेश बाहर की ओर धनावेश। ऋणावेश होने का कारण क्लोराइड आयनों की अधिकता, ऋणात्मक प्रोटीन की अधिकता। बाहर धनावेश होने का कारण सोडियम आयनों की अधिकता। जैसे ही कोई सूचना पहुँचेगी हेक्सोन के पास तो इन आयनों की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने का कारण क्या होगा, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से अंदर की ओर सोडियम आयन प्रवेश करेंगे और बाहर की ओर पोटेशियम आयन का निकलना होगा। जैसे ही पहुँचेंगे तो अंदर की ओर धनावेश और बाहर की ओर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मान होगा, जो विभव उत्पन्न होगा उसका मान 30 से प्लस 40 MV यानी मिलीवोल्ट होगा। पोलराइज कंडीशन में यह मान माइनस 70 MV यानी मिलीवोल्ट होगा। उसके बाद सिग्नल्स आगे बढ़ेगा तो कंडीशन वापस क्या होगी, रीपोलराइज यानी कि पुनर्ध्रुवण। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप वापस क्या करेगा, पोटेशियम को बाहर की ओर और पोटेशियम को अंदर की ओर ट्रांसफर करेगा और बाहर की ओर सोडियम को भेज देगा। उसकी वजह से अंदर की ओर वापस कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, इसे बोलते अपन रीपोलराइज। यानी कि यहाँ भी जो मान होगा वो माइनस 70 MV यानी मिलीवोल्ट होगा। यानी पोलराइज और रीपोलराइज सेम कंडीशन पाई जाती हैं, सेम कंडीशन होगी है। पोलराइज में अंदर की ओर ऋणात्मक, डीपोलराइज में अंदर की ओर धनात्मक, वापस रीपोलराइज में अंदर की ओर ऋणात्मक मान उत्पन्न होगा। तो इसी के साथ अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक्स।